नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर। जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शासन के आदेश पर चलाए जा रहे तहसील समाधान दिवस में जिले के आला अधिकारी SSP अनंत देव तिवारी व CDO अंकित कुमार अग्रवाल ने सुनी 113 फरियादियों की जन समस्याएं, जिनमें 15 समस्याओं का कराया मौके पर ही निस्तारण। वहीं 98 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए 7 दिन के अंदर निस्तारण के आदेश। थाना नई मंडी चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कसाना को मिली बड़ी सफलता। कपड़ों के शोरूम से शर्ट व टी शर्ट चोरी कर भाग रहे शातिर चोर को मौका वारदात से दबोचा, जिसके कब्जे से दर्जनों चोरी की गई शर्ट व टी शर्ट पुलिस ने की बरामद। नई मंडी थाना क्षेत्र कमल नगर के पीड़ित परिवार ने सूदखोर के आतंक से आज आकर लगाई नई मंडी थाना पुलिस से इंसाफ की गुहार। पीड़ित परिवार से सूदखोर 4,000 के ले चुका है 60,000, अभी भी कर रहा है पीड़ित परिवार का उत्पीड़न। वांछित व जिला बदर धरपकड़ अभियान के तहत SSP के आदेश पर थाना अध्यक्ष JC शर्मा के निर्देशन में सिविल लाइन्स पुलिस ने पकड़ा जिला बदर, जिसे लिखा पढ़ी कर भेजा जेल। अवैध रूप से शराब का कारोबार व तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी नवनियुक्त टीम ने जिले के कई जगह पर छापेमारी करते हुए 3 गाड़ियों से भारी मात्रा में देसी व अंग्रेजी शराब की बरामद। शामली SP डॉक्टर राजीपाल शर्मा के आदेश पर कांधला थानाध्यक्ष MS गिल ने कस्बे के दिल्ली रोड, कैराना रोड व बाईपास पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, जिसमें दर्जनों वाहनों के काटे गए चालान। वहीं वाहन चालकों में मच रहा हड़कंप। रुड़की रोड स्थित BJP कार्यालय पर किसान मोर्चा की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी वर्ष के अंतर्गत किसानों को उन्नत फसल की दी जाएगी जानकारी और समस्या का समाधान कराया जाएगा। कस्बे पुरकाजी में ऑपरेशन स्माइल के तहत लापता बच्चों को खोजने आई देहरादून की टीम ने कूड़ा बीनने और दुकानों पर काम कर रहे बच्चों से की पूछताछ। वहीं कस्बे में श्रम विभाग की टीम की अफवाह पर दुकानदारों में मच रहा हड़कंप। खतौली से मीरापुर जा रहे बाइक सवार युवक की पिकअप गाड़ी से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक चालक घायल हो गया। वहीं दोनों घायलों के बीच जमकर हुई मारपीट, जिस पर पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को लिया हिरासत में। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर कस्बा पुरकाजी के विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कस्बे का किया भ्रमण। वहीं कस्बे में चल रही विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। शासन के आदेश पर चलाए जा रहे तहसील समाधान दिवस में जिले के आला अधिकारी SSP अनंत देव तिवारी व CDO अंकित कुमार अग्रवाल ने सुनी 113 फरियादियों की जन समस्याएं, जिसमें 15 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। वहीं 98 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए 7 दिन के अंदर निस्तारण के आदेश। मुजफ्फरनगर मेरठ रोड से सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस के उपलक्ष्य में जिले के आलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी, CDO अंकित कुमार अग्रवाल व अन्य आलाधिकारियों ने सुनी 113 फरियादियों की जन समस्याएं, जिसमें से 15 फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। वहीं बची फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को 7 दिन के अंदर निस्तारण के आदेश दिए। वहीं ज्यादातर समस्याएं चकबंदी, तालाबों व वृद्ध पेंशन को लेकर रही। यहाँ पे तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। आज यहाँ पे सभी विभागों से संबंधित थोड़ी थोड़ी शिकायतें आई। कब्जा के काफी शिकायत थी कि तालाब पे अवैध कब्जा, चकबंदी पे कब्जा, उसका एक अभियान भी अभी चल रहा है, तो लोग भी थोड़ा जागरूक हुए कि जहाँ जहाँ भूमि पे अवैध कब्जा है उसके बारे में प्रशासन को बताया जाए कि इसको हम लोग अपने अभियान में शामिल करेंगे और सभी जो अवैध कब्जा वाले सरकारी भूमि है सभी जगह से कब्जा हटाया जाएगा। कुछ पेंशन संबंधित शिकायतें आई थी तो उनको चेक कराया गया कि पेंशन उनको क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, उसका समाधान किया गया। कुछ चकबंदी से संबंधित शिकायतें थी, कुछ यहाँ पे मकान के संबंधित है कि उनको आवास चाहिए, पक्का मकान नहीं है उनके पास, तो उसके बारे में DDO को निर्देशित किया गया जांच करने के लिए। कुछ विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें गई थी कि तार टूट गए हैं या ट्रांसफार्मर खराब है, उनके बारे में विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। कुछ शिकायतों का मौके पर भी निस्तारण हुआ है, जैसे एक शिकायत आई थी कि नाम गलत दर्ज था खतौनी में तो उसको सही कराया गया था मौके पर। इस तरह से कई शिकायतों का निपटारा, 5 या 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। थाना नई मंडी चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कसाना को मिली बड़ी सफलता। कपड़ों के
के शोरूम से शर्ट व टी शर्ट चोरी कर भाग रहे शातिर चोर को मौकाए वारदात से दबोचा, जिसके कब्जे से दर्जनों चोरी की गई शर्ट व टी शर्ट पुलिस ने की बरामद। मुजफ्फरनगर नई मंडी थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब शातिर चोर संतोष पुत्र राम मीना निवासी कर्णपुरा थाना रैनी जिला अलवर नई मंडी के विशाल मेगा मार्ट से टी शर्ट चोरी कर भाग रहा था। वही गश्त कर रहे मंडी चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कसाना ने अपनी टीम के साथ चोर का पीछा कर गौशाला रोड से गश्त कर उस चोर को दबोच लिया। वहीं शोरूम के सेल्समैन ने पुलिस को बताया कि यह शातिर चोर हमारे शोरूम से टी शर्ट चोरी कर फरार हो गया था। वहीं पकड़े गए शातिर चोर संतोष के कब्जे से पुलिस ने तलाशी के दौरान 12 टी शर्ट शर्ट बरामद की है। पूछताछ में पकड़े गए चोर ने बताया कि वह कपड़ा शोरूम में कपड़े लेने के बहाने ग्राहक बनकर जाता था और मौका देखकर बड़े शातिराना अंदाज से शर्ट और टी शर्ट चोरी कर फरार हो जाता था। वहीं पुलिस ने लिखा पढ़ी कर चोर को जेल भेज दिया। मामला ये था कि हमारे यहाँ पे एक लड़का आया कस्टमर बन के, उसने हमारे यहाँ से शर्टें देखता रहा और वैरायटी देखता रहा और वो चेंज करने के लिए टाई रूम में गया, वहाँ पे हमारा माल रखा था, वहाँ से उसने 5 शर्टें चोरी की और लेके चला गया। हमें मालूम ये वो जो विशाल मेरा वार्षिक उसने चोरी की और वहाँ से पुलिस ने उसे पकड़ा और पुलिस वाले उसे लेके यहाँ पे आए, तब पुलिस वालों ने हमारा माल दिखाया। मैं 1600-1700 रुपये के आसपास की शर्टें हुई सारी। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और पुलिस की वजह से हमारा माल पकड़ा गया है। संतोष कर्णपुरा अलवर चाचा के पास है सर, वो मेरे साथ एक और लड़का था तो उसने शर्ट रख ली और दो दुकान शर्ट 8 दिखी सर, पहनने के लिए लाया था मैं तो। नई मंडी थाना क्षेत्र कमल नगर के पीड़ित परिवार ने सूदखोर के आतंक से आजिज आकर लगाई नई मंडी थाना पुलिस से इंसाफ की गुहार। पीड़ित परिवार से सूदखोर 4000 के ले चुका है 60,000, अभी भी कर रहा है पीड़ित परिवार का उत्पीड़न। मुजफ्फरनगर नई मंडी थाना क्षेत्र के कमल नगर निवासी आशु पुत्र हरिदास ने अपने परिवार सहित नई मंडी कोतवाली पहुंचे सूदखोर सुधीर देशवाल पर परिवारों को उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे बेटे आशु ने सुधीर देशवाल जो फाइनेंस का काम कर रहा है उससे 4000 रुपए फाइनेंस पर लिए थे, जिसे वह अभी तक 60,000 रुपए दे चुका है, लेकिन सुधीर देशवाल का पैसा अभी भी तकाजा है। आए दिन वह हमारे घर आकर पैसों का तकाजा करता है, न देने पर हमारे साथ गाली गलौज कर मारपीट करता है। जब मैं उसके घर गई कि आप ज्यादा पैसा का तकाजा क्यों कर रहे हैं, हम जल्दी ही तुम्हारे पेनल्टी के पैसे भी दे देंगे, लेकिन वह आग बबूला हो गया और मेरे साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आए दिन वह हमारे परिवार का उत्पीड़न करता रहता है। जी मैंने एक सुधीर देशवाल से पैसे 4000 रुपए लिए थे जी, और मैंने उस 4000 के कारण 60,000 रुपए दे चुका हूँ। अच्छा। और बुरे धन की देखता मारने उन्होंने की 2,00,000 रुपए दे तो मरवा दूंगा वो करवा दूंगा। अच्छा। और जी नगर का जी 30 फुट रोड हरिजन जी जाट है जी 4000 जी ने 4 किस्त बन दी थी जी। अच्छा। हाँ जी फिर कितने पैसे दे चुका है तब? मैं उसे 60,000 रुपए दे चुका जी। अब क्या कह रहा है वो? अब और 60,000 रुपए और बता रहा है जी मेरे पे। हम गरीब आदमी कहाँ से दे सकता हूँ इतने पैसे? सुधीर जी कहाँ रहने वाला है? ये वृंदावन सिटी का जी। आप क्या चाहते हो जी? मैं चाहता हूँ हम कहाँ से दोगे इतना पैसा, मेरे साथ इंसाफ हो जी। तुम मैं कमल नगर की 30 फुट रोड के। अच्छा। तो मेरे बच्चे को इन्होंने, क्या नाम तुम्हारे बच्चे का? आशु नाम है जी। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे का? पैसे हमने 4000 रुपए लिए थे वो दे चुके जी, हमने 4 किस्त पूरी दे दी, 60,000 रुपए दे भी दिए और सुधीर से पैसे लिए थे जी। अच्छा। और हम हमारे से धमके मारने के भी दे रहे, जो मैं गई वहाँ पे मैंने कहा जी क्या कहा तुमने हमारे बच्चे को, हमारे घर पुलिस भेजी और जो हम वहाँ गई तो मैं कहने गई थी उनको माँ को माँ को थोड़े थोड़े दे भी देंगे, जो मेरा लाल बत्ता मेजी करे मेरे पे मारा भी मुझे वहाँ गया सड़क पर, आज मेरा सूट साठ सब पाड़ दिया मुझे बत्ता मेजी मेरे साथ में अंदर ले जा कर रहा था मैं जबरदस्ती आई। हाँ जी फाइनेंस का काम करा जी, वो 20% का ब्याज लेगा जी सबसे। हाँ जी मैं मारने की धमकी दे रहा हूँ, दे भी दिया पैसा मेरे पे जी, हम गरीब आदमी 4000 रुपए लिए थे जी, 60,000 रुपए दे भी दिया, पालंटी लगा लगा कर 20% के पैसे ले गए, हम गरीब आदमी हम कहाँ से दे सकेंगे अब जो हमारे पे तो है नहीं जी। वांछित वे जिला बदल धरपकड़ अभियान के तहत एसएसपी के आदेश पर थाना अध्यक्ष जेसी शर्मा के निर्देशन में सिविल लाइंस पुलिस ने पकड़ा जिला बदल, जिसे लिखा पढ़ी कर भेजा जेल।
मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी से बीती रात सिविल लाइंस पुलिस ने दबोचा शातिर जिला बदर। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी से बीती रात सिविल लाइंस पुलिस ने दबोचा शातिर जिला बदर आशीष उर्फ जुर्कन पुत्र जयचंद, जिस पर कई मुकदमे होने व गुंडा एक्ट होने के कारण जिला अधिकारियों ने जिला बदर कर रखा था, लेकिन वह अपने घर रह रहा था, जिस कारण थाना अध्यक्ष जीएस शर्मा के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने आशीष को दबोच लिया और लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया। जिस कारण थाना अध्यक्ष जीसी शर्मा के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने आशीष को दबोच लिया और लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया। कल आया था, हमें पता नहीं था कि हम जिला बदर रखे हैं, तो जैसे यहाँ पर आए हमें वहाँ पे चौकी पकड़ लिया। अवैध रूप से शराब का कारोबार व तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार के निर्देशन में जिला आबकारी नवनियुक्त टीम ने जिले के कई जगह छापेमारी करते हुए 3 गाड़ियों से भारी मात्रा में देसी व अंग्रेजी शराब की बरामद। मुजफ्फरनगर अवैध रूप से देशी व अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिले की नवनियुक्त आबकारी टीम हुई सख्त। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह के निर्देशन में नवनियुक्त आबकारी निरीक्षक त्रिभुवन सिंह ने लालू खेड़ी मेन रोड पर चेकिंग के दौरान वैगनार कार से देसी व अंग्रेजी शराब की बरामद की। वहीं नवनियुक्त निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बुढ़ाना इंचार्ज काकड़ा थाना शाहपुर रोड पर चेकिंग के दौरान मारुति कार से 15 पेटी गोवा विस्की की बरामद की। वहीं नवनियुक्त आबकारी जानसठ अपर्णा त्रिवेदी ने जानसठ से इंडिगो एसएल कार से 20 पेटी हाई टाइम विस्की चेकिंग के दौरान बरामद की। इस तरह तीनों नवनियुक्त निरीक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में छापेमारी व चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जनपद में प्रतिदिन छापामारी कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में हमारे जनपद में इस समय 3 नए आबकारी निरीक्षक आए हुए हैं। उन तीनों ने कल अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। सबसे पहली छापेमारी तो जानसर थाना के अंतर्गत एक वाहन के आने की सूचना थी, चित्तौड़ा झाला के पास से वो पकड़ी गई। वो इंडिगो कार थी जिसमें करीब 20 पेटी शराब भरी हुई थी, जिसको बरामद किया गया और आदमी फरार हो गए देख के टीम को। और दूसरी कार्रवाई लालू खेड़ी बस स्टैंड के पास थाना तितावी में की गई, जिसमें एक बावन आर कार से करीब 18 पेटी मदिरा बरामद हुई। और तीसरी रात्रि 10 बजे के आसपास ये बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर आने वाले रास्ते पर काका गाँव के पास की गई, जिसमें एक मारुति स्टीम कार से लगभग 15 पेटी गोवा विस्की बरामद हुई। इस तरह लगातार जनपद में छापामारी कार्रवाई की जा रही है अवैध शराब के खिलाफ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। अब तक देखते रहिए सिटी हलचल खबर जरा हटकर। अजेलिया क्रोकरीज। वाओ क्या बात है। अजेलिया अजेलिया ब्रांडेड स्टैंडर्ड कंपनी है, इंपोर्टेड आइटम्स भी हैं, किचन सेट माइक्रोवेव और बहुत कुछ, होम एप्लीकेशंस का पूरा संसार, दिवाली हो घर की क्रॉकरी में नंबर 1 अजेलिया क्रॉकरी। इंपोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार भगत सिंह रोड मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरीज। हाय दिस इज नटखटपरी फ्रॉम बालवीर फ्रॉम सब टीवी एंड यू आर वॉचिंग सिटी हलचल।
खबर जरा हटके। हाय, मैं हूँ परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे। बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। हाय, मैं हूँ कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, एफएमजी, आईबॉल, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम, प्रोप्राइटर हर्ष गुलाटी, 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 01312635555। सेल 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 खुल गया है अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500, 8077921930। हाय, दिस इज सिमरन एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, मैं राकेश बेदी हूं और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। In a one-
पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6th to 7th तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, दिस इज नीलिमा अजीम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, दिस इज निकिता निगम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज कायना अरोरा एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सिटी हलचल। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा 1650 लेवों का भव्य शोरूम शिव चौक मुजफ्फरनगर, कंचन तारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। शामली एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा के आदेश पर कांधला थानाध्यक्ष एमएस गिल ने कस्बे के दिल्ली रोड, कैराना रोड व बाईपास पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, जिसमें दर्जनों वाहनों के काटे चालान, वही वाहन चालकों में मच रहा हड़कंप। शामली एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा के आदेश पर कांधला थानाध्यक्ष एमएस गिल ने कस्बे के दिल्ली रोड, कैराना रोड व बाईपास पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें कि एसपी शामली डॉक्टर अजय पाल शर्मा के आदेश पर कांधला थाना प्रभारी एमएस गिल ने भारी पुलिस बल के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों वाहनों के चालान काटे गए, वहीं वाहन चालकों में पुलिस का खौफ साफ नजर आया। कांधला थानाध्यक्ष एमएस गिल का कहना है कि महाए रमजान के मद्देनजर वह ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह चेकिंग अभियान चलाया गया है। हाँ, रूटीन की चेकिंग तो होती है, लेकिन बीच में कभी विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन हो, कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति न हो, ऐसे रास्तों पर, बैंक के आसपास, ऐसे प्रतिष्ठान हो, वहाँ विशेष रूप से चेकिंग कराई जाती है, कोई आपराधिक गतिविधियाँ ना हो। अजी सर, कब तक चलेगा यह चेक? तो लगातार चलता ही रहता है, तो जैसे रमजान है वगैरह ये आ रहा है, ईद रमजान है और भी ऐसे पर्व है, उसी दृष्टिकोण से भी चीजें कराई जाती है, रूटीन की तो है। रुड़की रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी वर्ष के अंतर्गत किसानों को उन्नत फसल की जानकारी दी जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा। रुड़की रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सैनी ने की। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को उन्नत फसल पैदा करने के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज ये बैठक है। इस बैठक के अंतर्गत हम उन्नत किसान, प्रसिद्ध किसान और कैसे जैविक खेती किस प्रकार से होगी, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे मंडल स्तर पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी वर्ष के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित है पूरे प्रदेश के अंदर, उसी के लिए आज बैठक है। इस बैठक में हम किसानों की समस्याओं का समाधान और उन्नत खेती किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ऐसे हम जाकर जन जन तक के किसानों को प्रेरित करेंगे और उन्हें
अच्छी से अच्छी खेती किस प्रकार से हम किस फसल से अच्छी पैदावार हम कर सके, ऐसे प्रयोग करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का। कस्बा पुरगाजी में ऑपरेशन स्माइल के तहत लापता बच्चों को खोजने आई देहरादून की टीम ने कूड़ा बीनने और दुकानों पर काम कर रहे बच्चों से की पूछताछ। वही कस्बे में श्रम विभाग की टीम की अफवाह पर दुकानदारों में मच रहा हड़कंप, जिस पर दुकानदारों ने दुकानों पर काम कर रहे बच्चों को भगा दिया। सूचना पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जानकारी जुटाई तो टीम ने ऑपरेशन स्माइल की जानकारी दी। टीम के इंचार्ज दीपक कुमार ने बताया कि वह ऑपरेशन स्माइल के तहत आए हैं और देश भर में लापता बच्चों को खोजकर DWC को सौंपा जाएगा। हालांकि कस्बे से कोई लापता बच्चा बरामद नहीं हुआ। वही टीम इंचार्ज ने लोगों से अपील की कि वह संदिग्ध बच्चों की सूचना विभाग को दे। खतौली से मीरापुर जा रहे बाइक सवार युवक की पिकअप गाड़ी से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक चालक घायल हो गया। वही दोनों चालकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिस पर पुलिस ने झगड़ा कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। खतौली निवासी रोशन बाइक द्वारा अपने साथियों के साथ खतौली से मीरापुर जा रहा था। कस्बा जानसठ के समीप आने पर पिकअप गाड़ी की साइड लगने से बाइक सवार रोशन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर रोशन व उसके साथियों ने पिकअप गाड़ी चालक शाहरुख की धुनाई कर डाली। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर थाने भिजवाया। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर कस्बा पुरगाजी के विधायक प्रमोद उठवाल ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कस्बे का भ्रमण किया। वहीं कस्बे में चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस के अवसर पर कस्बा पुरगाजी के विधायक प्रमोद उठवाल ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कस्बे का भ्रमण किया, जहां उन्होंने विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सड़कों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। वही हैंडपंप का निरीक्षण किया, जिस जगह पर हैंडपंप नहीं थे उस जगह पर ईओ को हैंडपंप लगाने के आदेश दिए। जनता ने मंत्र जी कहा यहाँ सड़क जो बन गई, हम भी चाहते को एक कावड़ मेला आ रहा, कावड़ मेले से पहले हम ये सड़क जो मानक के हिसाब से वो मानक के हिसाब से बननी चाहिए। इसमें कुछ खामियां हैं, जो छोटी मोटी छोटी रोडी है ना, ये मोटी रोडी चपटी है, ऊपर आनी छोटी वाली, तो ये मानक ये तुम्हारा डिवाइडर जो सब कुछ है सब गलत हो रहा है, तो मैंने इसमें खामियां पाई गई। अभी जो अधिकारी अधिकारी हैं उनको काम मानक के हिसाब से मुझे काम चाहिए और सड़क को तुरंत काम करें। कि कल योग दिवस है हमारा प्रदेश भर में, सब लोग पार्टी के अधिकारी प्रधान लोग सब लोग हम लोग इसमें कल को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग दिवस मनाएंगे, जो हम सब लोगों को इन्वाइट किया गया है। यहाँ भी हमारा सुखलाल जी स्कूल है, यहाँ इंटर कोड़ी मैं भी आऊँगा सुबह 5:30 बजे आऊँगा मैं, सबको लोग सब प्यार मिल सब मिलकर इसमें कोई वो नहीं, सब लोग मिलाएंगे, हिंदू मुस्लिम सब लोग अपना योग दिवस मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। अब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।